चौथे चरण में सबसे हॉट सीट माने जाने वाले मुंगेर लोकसभा सीट पर आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी लखीसराय पहुंचे। इस दौरान कई राजद नेता ने उनका स्वागत किया और सहारा देते हुए उनको मंच तक पहुंचाया। उनके साथ मंच पर राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता, पूर्व विधायक फुलेना सिंह, एमएलसी अजय सिंह सहित कई नेता मौजूद दिखे। तेजस्वी ने भाषण की शुरुआत अपने पीठ के दर्द को जनता से जोड़कर किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बोला है कि 3 हफ्ते तक बेड से उठना नहीं है। हम बोले इतना दिन तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लगा हुआ हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसको हम ट्रैक्टर बनाए हुए हैं, हम एक लेकर घूम रहे हैं और भाजपा के नेता 25 हेलीकॉप्टर लेकर उड़ रहे हैं। चिंता नहीं करिए, हम भी शांत नहीं बैठेंगे। जब तक बेरोजगारी और गरीबी का दुख लोगों का खत्म नहीं होगा, तब तक हम भी शांत नहीं बैठेंगे। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। 2014 में बोले कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, देश का काला धन को वापस लेकर आने की भी बात बोले थे। 15-15 लाख मिलने वाला था, सब कुछ झूठ था। वही जब 2019 में आए तो बोले कि किसानों के आय को दुगुना कर देंगे, किए क्या, नहीं ना। इसीलिए बहन अनीता को वोट देकर जीत दिलाइए, आशीर्वाद दीजिए, बदलाव देखने को मिलेगा। मालूम हो कि आगामी 13 मई को चौथे चरण के तहत मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। लखीसराय का यह इलाका मुंगेर लोकसभा में आता है। वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। ये नरेंद्र मोदी जी ने केवल लोगों के झूठ बोला, ठगने का काम किया, हमारे बिहार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया। उन्होंने कहा था 14 में, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपया खाता में देगा। बोले थे कि नहीं बोले थे मोदी जी? 14 का भूल गए, फिर 19 में आए मोदी जी तो 19 में क्या बोले, भाइयों बहनों मित्रों मोदी आएगा तो किसान भाई का आय दुगुना कर देगा, मोदी आएगा तो सबके पक्का मकान बना देगा, मोदी आएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, मोदी आएगा तो गरीबी महंगाई खत्म कर देगा। अब 19 भी पूरा हो गया, अब आ गया 14। भाइयों बहनों ये विपक्ष वाले लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये विपक्ष वाला लोग आपका भैंस चुरा लेंगे। अरे मोदी जी इतना झूठ रवा मत बोली, 24 में आते आते हिंदू मुसलमान इस्लाम सनातन मंदिर मस्जिद बस। हम बोलना चाहते हैं मोदी जी, अरे बिहारी तो बुड़बक नहीं थे, एक बार खान के हांडी बार बार ना चढ़ता है, बिहारी लोग उड़ता चिड़िया को भी हल्दी लगा देता है, किकरा के बेवकूफ बना रहे मोदी जी। हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है गरीबी, मुद्दा है महंगाई। बिहार में कारखाना खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? आपके चैनल के किसानों का आय दुगुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कटनी हो रहा है कि नहीं हो रहा? फसल का दाम मिलता है नहीं ना मिलता है? सोचो कम रेट पे मिल रहा है, कैसे तैसे सरकार लेता है नहीं लेता? यही मोदी जी बोले थे आय दुगुना कर देंगे, केवल केवल मोदी जी ने ठगने का काम किया। कितना बेरोजगार नौजवान है बड़ा हाथ उठा के बताना, इतनी बड़ी संख्या है, बताओ नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? अच्छा इलाज अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये ज्यादा जरूरी है कि नहीं? तो मोदी जी खाली धर्म
में बांट करके जहर समाज को बोने का काम करते ताकि आपस में हिंदू और मुसलमान लड़ता रहे। मोदी जी, इस बार हम लोग आपके झांसे में नहीं आएंगे। आप बताइए, आपने 10 साल में कितना नौकरी दिया? तेजस्वी तो बताया कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया। मोदी जी तुम बताओ कितना के नौकरी दिए? बताना होगा कि नहीं बताना होगा? नौकरी का दिए, नौकरी छीन ली, सब कुछ निजीकरण कर दिए, प्राइवेट कर दिए, रेलवे के बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सब भारत पेट्रोलियम बेच दिए, एयर इंडिया से लेकर के पोर्ट से लेकर के बीएसएनएल से लेके एलआईसी से लेके सब बेच दिए। जहां जहां नौकरी मिलता था सबको निजीकरण कर दिए मोदी जी। आप बताओ चालन की जनता, एक काम बताओ जो मोदी जी ने चालन के लिए किया हो, एक काम बता दे जो मोदी जी चालन के लिए किए हो। तो जब तक चालन विकास नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है? जब तक चालन का विकास नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो 10 साल तक क्या किए? केवल वोट लो, वोट लो, और किसी और तो जो है कमाई जो है लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया, यही असलियत है। इसलिए भाई रे चरण की जनता, तेजस्वी पर भरोसा है कि नहीं है? पालीता जी को जिताना है कि नहीं जिताना? आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में छोटे लोगों को, गरीब पिछड़े लोगों को दबाया जा रहा है, बड़े को बड़े किया जा रहा है, गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। साथियों, आज देखिए ये भारत में मोदी जी का सरकार ने आज संविधान को नहीं मान रहे, किसी की बनी हुई सरकार को गिरा दे रहे हैं, किन्हीं को विधायक को खरीद ले रहे हैं, किन्हीं के सांसद को खरीद ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। इसलिए साथियों, ये देश पैसे पे नहीं, ये देश का जनता जो है वही मालिक है, और जनता जो निर्णय लेगा उसको सबको मानना पड़ता है। लेकिन ये जनता की आवाज को, जनता का हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, ये अडानी अंबानी के लिए काम करना चाह रहे हैं साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मजबूती से आप सभी का लोकप्रिय प्रत्याशी कुमारी अनिता जी है, लालटेन छाप से उनका राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी है, आप सबसे अपील करने के लिए आया हूँ कि भारी मतों से इनको जिता कर और दिल्ली तक पहुंचाइए, और आपके हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। साथियों, आज देखिए मोदी जी आए थे और आपसे कहे थे कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, क्या आपके अच्छे दिन आए? क्या उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे? क्या युवा को नौकरी मिला? क्या ये खाते में देंगे 15 लाख रुपया? क्या 15 लाख रुपया मिला? क्या उन्होंने कहा कि गरीब को पक्का मकान बना के देंगे? उन्होंने कहा किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं किसान की आय को दोगुना करेंगे? क्या किसान का मुंदरी दुगुना हुआ? क्या आप बताइए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर हमसे झूठ बोले फिर कैसे होगा? साथियों, आज हम लोग अगर आवाज उठाते हैं तो मोदी जी मानते हैं कि हमारा दुश्मन है। मोदी जी, हम कहना चाहते हैं कि हम आपका विरोधी दुश्मन नहीं है, हम आपके तीसरी आंख है, हम जनता की आवाज है। आपने जो वादा किया वही हम याद दिलाने के लिए आए हैं साथियों, वही याद दिलाने के लिए आए हैं। लेकिन ये लोग हम लोग को दुश्मन मान रहा है, हम लोगों को कमजोर करने के लिए हर तरह से रास्ता निकाल रहा है। इसलिए तमाम यहाँ के हमारे जितने भी पार्टी के नेतागण, महागठबंधन के नेतागण है, यहाँ पे जनता है। साथियों, इस देश में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो बहुत अमीर है जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, और दूसरा वो लोग है जो रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे उनको पता नहीं है, उसके चक्कर में वो परेशान रहते हैं, और तीसरा आप जैसे लोग हैं जो नेता की बातों को सुनने के लिए आते हैं
आपको सोचना है कि मोदी जी 10 साल से सत्ता में रहे हैं, आज उन्होंने अच्छा काम किए कि नहीं किए, ये निर्णय आपको लेना है। आज देखिए मोदी जी के पास कोई बोलने के लिए बात नहीं है, आज वो देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कर रहे, जनता को विकास की बात नहीं कर रहे कि 10 साल में उन्होंने सत्ता में रहकर कितना नौकरी दिया, कितना बेरोजगार को नौकरी दिया, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, आप मालिक हैं, आपको निर्णय लेना है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, देश का इनको लेना है। और यहाँ पे हमारे बहन अनिता जी है आपके प्रत्याशी, इनको मजबूती से जिताकर इनको दिल्ली भेजिए और हम लोग लालू प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सामंतियों के सीने पर अपने स्वाभिमान का परचम लहराने वाले मेरे हम सफर जीवन साथी परम आदरणीय श्री अशोक महतो जी, आज के हालात पर, आवाम के मामलात पर और मुल्क के जलते हुए सवालात पर अहम अंदाज से रोशनी डालने के लिए मानस गगन के राजहंस तेजस्वी यादव जी यहाँ स्वयं मौजूद हैं। इसलिए चम लम्हात में ही मैं अपनी जज्बातों का इजहार करना लाजमी समझती हूँ। चानन की इस पावन वसुंधरा पर माँ जलप्पा के आंगन में महर्षि श्रृंगी ऋषि के प्रांगण में कोटि नमन करती हूँ। प्रजातंत्र का महापर्व महासभर लोकसभा का चुनाव आपके दहलीज पर दस्तक दे रहा है। चुनाव लोकतंत्र की कसौटी है, आत्मा है और आपका बहुमूल्य वोट जनतंत्र का आधारशिला है। मेरे आराध्य लालू यादव जी ने मुझे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाकर आशीर्वाद दिए हैं, इसलिए मैं आपके चौखट पर सजदा करने के लिए आई हूँ। यह चुनाव एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना आप सबों का फर्ज और कर्तव्य है। सवाल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी मजहब का नहीं, सवाल जमहूरियत का है, लोकतंत्र का है, अखंड भारत का है। सवाल बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त भारतीय संविधान का है। सवाल हमारी अस्मिता का है, शिरकत का है, मोहब्बत का है, अमानत का है। सवाल आपके घर आंगन की बेटी के ताज का है और उससे भी बड़ा सवाल युवा हृदय के तरंगित उमंग तेजस्वी यादव और मजलूमों के मसीहा लालू यादव जी के नाज का है। लोकतंत्र में सियासत जनता की होती है, जनता सर्वोपरि है, फैसला जनता की अदालत में होती है।